राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता यूथ के लड़के लोग बोल रहे थे कि आप हमेशा आते हैं भैया यहाँ झारखंड में, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो हम बोले कार्यक्रम हम देंगे, किसी कामों में मैं बिहार में पॉलिटिक्स करता हूँ तो किसी कामों में मैं व्यस्त होने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो मैंने यहाँ तमाम लोगों को कल ही मैंने बोला कि एक बैठक हो जाना चाहिए ताकि लोगों का क्या यहाँ का डिमांड है, क्या समस्या है, इसको मैं सुन सकूं। लालू प्रसाद जी यहाँ रिम्स में इलाजरत हैं और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल अपना वजूद तलाश रही है। लालू प्रसाद जी यहाँ पे रिम्स में इलाजरत हैं और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अपना वजूद तलाश रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा में भी आपको एक सीट नहीं मिला, अब क्या जान चुके? नहीं देखिए, अभी आप देख लीजिए कि जो अलग स्टेट है, अभी तीन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, किस तरीके से बीजेपी आरएसएस को नकार दी है जनता, उसी तरीके से यहाँ भी हम कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं और कार्यक्रम लगा करके पूरे झारखंड में हम घूमने का काम करेंगे और तमाम लोगों को एकजुट करेंगे और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। यहाँ महागठबंधन में किस तरीके से आरजेडी अपने आप को देख रही है? नहीं, महागठबंधन जितने भी धर्म निरपेक्ष जितने भी दले हैं तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि आप देख लीजिए झारखंड में ज्यादातर हम हमेशा न्यूज के माध्यम से हमको पता लगता है, अखबारों के माध्यम से हमको पता लगता है कि हमेशा यहाँ पे लूट हत्या तो ऐसा होता है कि जैसे कुकुर मुत्ता हो गया उसी तरीके से हत्या हो रहा है लगातार। तो इस सब चीजें हैं और तमाम जनता की ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ झारखंड सरकार नहीं दे रही है किसी भी तरीके से। लेकिन तेज प्रताप जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप खुद अभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कोई मानसिक तनाव से हम नहीं गुजर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल लड़ाई है, इसीलिए कोई किसी भी मानसिक तनाव से हम नहीं गुजर रहे हैं और हमारा जनता जब हमारे साथ है तो मानसिक तनाव नहीं हो सकता है। लालू जी अस्पताल में है, जेल में है, उसके बारे में? नहीं, लालू जी काफी दिनों से अभी बीमार चल रहे हैं और कल भी थोड़ा सा तबीयत उनका डाउन था तो मैं मिलने गया था, काफी लंबा समय भी हो गया था, गैप हो गया था तो मैं मिलने गया। क्या कहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में या उनका जो अभी कुछ संदेश दिया है उन्होंने, क्या कहना चाहिए अभी उनके स्वास्थ्य के बारे में आप मिले या अभी वो मैंने सजा? हमने कहा ना कि अभी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम भगवान से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बीच में और जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते थे उस तरीके से करें। कुछ कहा है उन्होंने कि आपको कुछ काम? उन्होंने कहा है कि पूरे एकजुटता के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके तमाम जगह पूरे बिहार में हर एक जगह झारखंड में तमाम जगह घूमने का काम कीजिए और अपने लोगों को एकजुट करने का काम कीजिए। तेजस्वी को आप अर्जुन बोलते हैं और अर्जुन को अकेले छोड़कर के आप वृंदावन घूम रहे हैं? वृंदावन गए थे श्री कृष्ण के नगरी सुदर्शन चक्र लेने ताकि दूसरों का विनाश कर सके। दोस्त कौन है? पार्टी के अंदर भी जो है आपकी नहीं चुनी जा रही है, तेजस्वी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो सही नहीं है, पार्टी के अंदर दोस्त कौन है? पूरी जनता सुनती है ना मेरे बात को, हम जनता के दिल में बसे हुए हैं, जनता के दिल से निकाल के दिखा दीजिए। जनता से ही पार्टी है, जनता से ही हमको ये चोला मिला है पहनने के लिए, जनता चाहेगी तो उतार। नीतीश कुमार आपके साथ को अब कैसे देख रहे हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव एक बार फिर एनडीए में उनके चलते बिखराव की स्थिति है? नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा कि किस तरीके से, हमने कहा कि धर्मनिरपेक्ष जितनी भी ताकतें हैं अगर जो आना चाहेगी उसके लिए दरवाजा खुला है, वो आ सकती है। तेज प्रताप जी, बहुत अहम है, कमलनाथ जी ने यूपी और बिहार वाले को फिर से बाहर का रास्ता दिखाने का मामला कहा है, एक बड़ा
बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, क्या यूपी बिहार या झारखंड के लोग लगातार इसी तरीके से जो भी सत्ता संभालेंगे वो बोलते रहेंगे? सब हताश हो गए हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो करके दिखाया, पूरे यूथ ने जो करके दिखाया। ये तो राहुल गांधी के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के हैं। अरे सब जगह देखिए, सब दल में घुसा हुआ है आरएसएस और बीजेपी वाला। अब आरएसएस और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो सारे दल में घुसे हुए। हम किसी को मुंह से हम नहीं बोलने जा रहे हैं, वो समझने वाली बात है, जनता सब समझती है। आप युवाओं के बीच में है कि युवाओं पर सीधा टारगेट किया है कमलनाथ जी ने कि हम यूपी और बिहार या झारखंड ही के लोगों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ये देखिए, युवाओं को कोई रोका नहीं है। युवा जेट प्लेन होता है, जेट की तरह तीव्र गति से जाता है, युवा को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आप हो या हम हो। युवा का बढ़ रहा है ग्रोथ तो बढ़ेगा ही युवा का। तेज प्रताप जी, कमलनाथ जी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, चूंकि आप भी उसी फोल्डर से हैं। अब कमलनाथ जी क्या बयान दे रहे हैं, क्या नहीं बयान दिया है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, वो अपना बयान देखे होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं, युवा क्या चाहिए युवा जान रही है, युवा को क्या चाहिए। जो युवा बेरोजगार इतना दिन से पड़ा हुआ है उसको रोजगार नहीं मिल रहा, हम लोग आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके पास क्या प्लानिंग है युवाओं के रोजगार के लिए? युवा के लिए रोजगार के लिए जो इंडस्ट्रीज होना चाहिए, फैक्ट्रीज होना चाहिए। आप देख लीजिए गांव इलाका में, आप देख लीजिए जाकर के शुगर मिल जितना जो खुला था सब बंद पड़ा हुआ है। युवा को जो रोजगार देने का बात हुआ था, युवा के लिए आयोग बनाने का बात हुआ था, बहुत तरीके का समस्या था, बहुत तरीके का 15-15 लाख रुपया देने का वादा हुआ था, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। युवा लोग से पूछ लीजिए, युवा लोग हैं। कृष्ण आज की तारीख में कितने प्रासंगिक है? आज कृष्ण की आवश्यकता है समाज को? कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, कुरुक्षेत्र में आज गीता जयंती है। आपको पता है कि नहीं गीता जयंती है? महाभारत का कोई श्लोक सुनाइए तो आप सुना, आप सुनाइए। भगवती भारतम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया और कहा कि पूरा सृष्टि सब उन्हीं में सर्वव्याप है, पूरी सृष्टि श्री कृष्ण में, जन्म मृत्यु सब उन्हीं से होता है, समझ गए? आप अपने आप को क्या देखते हैं? जनता जो देखती है, जनता से पूछ लीजिए हम अपने आप को क्या देखेंगे। हम तो अर्जुन, हम अर्जुन को आशीर्वाद दिए गांधी मैदान में, हम बोले मेरा अर्जुन तेजस्वी है उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लग रहा है कि बिहार की जनता साथ देगी है। अब पूरे देख लीजिए किस तरीके से लूट मचा हुआ है, साथ दे ही नहीं है। तमाम जगह जो आरएसएस भाजपा जो घूमने का गांव-गांव में काम कर रही है उसको बढ़िया से स्वागत किया जा रहा है जनता के द्वारा। एक सवाल, लालू प्रसाद जी के जेल में रहने से कितना नुकसान हो रहा है, पार्टी को कितना फर्क पड़ रहा है? पहले तो देख लीजिए कि जो फंसाया इनको झूठे मुकदमे में, अब फंसा करके जेल में भेजा, इससे जनता में देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। तुम जितना दबाओगे, तुम जितना प्रताड़ित करोगे, उतना तीव्र गति से लालू यादव निकल के आएगा सामने, उतना दुगुना वोट जुड़ेगा, इसलिए आप उनको दबा नहीं सकते हैं। वायु को कोई रोक नहीं सकता, जल अपनी धारा में बहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार आप लालू प्रसाद जी से मिलने आए थे तो निकलकर जब बाहर आ रहे थे तो अपनी आंखें डबडबाई हुई। अगर आप 1.5-2 साल बाद अपने पिताजी से मिलिएगा तो आंख तक डबाएगा। नेचुरल चीज है, रिश्ता है, ह्यूमन बीइंग है आप,
इंसान है तो नेचुरल चीज है डबडबाएगा। जब आम आदमी सड़क पे गिरता है तो आंख डबडबा जाता है, वो तो पिता है। आपको क्या भरोसा है? हम घर जाएंगे तो फिर जनता को कौन देखेगा? जनता को देखना सरकार, इनका जो रोजगार है रोजगार दिलाना है तब ना घर जाएंगे। मतलब घर में रहिएगा तो राजनीति हो जाएगा, सुदर्शन चक्र निकल जाएगा, शुरू क्षेत्र में ना सुदर्शन चक्र निकलेगा। चलिए आप इन लोग को समय दे दें थोड़ा। आपको क्या लगता है 19 के चुनाव तक लालू जी आ जाएंगे बाहर? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जनता के बीच आए। बाकी तो हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। कला अस्पताल भगवत गीता भी लेकर तेजस्वी जी का कहना है कि अब नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में आने का मौका तलाश रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटने का मौका तलाश रहे हैं, तेजस्वी जी का बयान। देखिए पूरे बिहार में जो जिस तरीके से हुआ है, हम कहें कि धर्मनिरपेक्ष अगर आना चाहता है कोई भी आदमी, उसको राष्ट्रीय जनता दल या हमारा जो पूरा परिवार है ये कभी भी किसी को मना नहीं करता है। अगर दरवाजा खुला है, अभी तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नहीं,